और इसी के साथ एक बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर से मिल रही है। बसपा सांसद श्याम सिंह यादव पर पलटवार किया गया है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है जौनपुर से। राज्य मंत्री गिरीश यादव ने पलटवार किया है, बसपा सांसद पर यह पलटवार किया गया है कि बसपा सांसद जनता को गुमराह कर रहे हैं। गिरीश यादव ने यह बात कही है। राज्य मंत्री हैं गिरीश यादव, सड़क निर्माण को अपना काम गिनाकर गुमराह करने की कोशिश जनता को कर रहे हैं। सांसद को शायद ज्ञान की कमी है, ये बात गिरीश यादव की तरफ से कही गई है, राज्य मंत्री के द्वारा कही गई है। तो वार पलटवार चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं सड़क को लेकर के ये पूरा विवाद है और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है। ये बात राज्य मंत्री के द्वारा कही गई है। बसपा सांसद के ऊपर उन्होंने ये पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शायद उनको ज्ञान की कमी है, सड़क निर्माण को अपना काम बता रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी जब समझ लो, FIR की जो वो बात करे हैं उनको ज्ञान होना चाहिए कि संवैधानिक दायित्वों पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हूँ, जिसको फर्जी कर रहे हो इस पे कौन कौन सी धारा बन सकती है, वो जरा किसी वकील से राय ले लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, नंबर एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये जो सांड की बात कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में आएगा, मेरा विधानसभा भी उनके क्षेत्र में है और उनको डंडे से कौन मारेगा जानते हैं? जनता मारेगी, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, जनता के विकास में उनकी कोई रुचि नहीं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जौनपुर में वो दिखाई नहीं दिए हैं, तो जनता उनको जवाब देगी।